नमस्कार दोस्तों, मैं रास बिहारी गिरी आप लोगों को धरोहर पे एक धरोहर को लेकर आया हूँ, जिनका नाम है त्रिलोकीनाथ पांडे जी, जो शिक्षक हैं और पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी एक बात है कि वो कवि हैं, तो तीन मूर्ति एक में, और उसे दर्शन आप जरूर करें। और मैं निवेदन करूंगा त्रिलोकीनाथ जी से कि वो अपना काव्य पाठ की शुरुआत करें। जी सर, बिल्कुल। यहाँ उपस्थित आप सभी को नमन। और आज एक विशिष्ट दिन है, और इस दिन के लिए मैं सर्वप्रथम मैं इस मंच को नमन करना चाहूंगा, और जितने भी मेरे श्रोतागण हैं यहाँ पर, जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी नमन करना चाहूंगा। गिरधर राय सर को नमन करना चाहूंगा, राज बिहारी सर को नमन करना चाहूंगा, राम पुकार जी को भी नमन करना चाहूंगा, जितने भी इस मंच से जुड़े हुए हैं आप सभी को नमन है। और आज का दिन जो है बड़ा विशिष्ट है। विशिष्ट इसलिए है क्योंकि आज के दिन जो है माताएं जो है अपने बच्चों के लिए भूखा करती हैं। जी हाँ, और मैं आज का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत जो है, अपनी कविता की शुरुआत जो है, माँ को समर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि वो हम लोगों के लिए भूखती हैं, उपवास रखती हैं, उनको नमन है, उनके चरण में वंदन है। तो मैं अपनी पहली कविता जो है शुरू करूंगा, उससे पहले अपनी जो पंक्ति जो है उसको दोहराना चाहूंगा। रहबर कोई मिला नहीं, अकेले ही हम चल दिए। रहबर कोई मिला नहीं, अकेले ही हम चल दिए। विष उगला जमाने ने हर मोड़ पर नीलकंठ हम हो गए। नमस्कार, पुनः अभिवादन एवं धन्यवाद। दोस्तों, आज जो है हमारी जो कविता जो है आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, तो लीजिए। माँ को समर्पित है ये मेरी पुस्तक जो है, ख्वाब ख्वाब से है, आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा पहली कविता, माँ के नाम। जी हाँ, कहा जाता है कि माँ नहीं तो हम नहीं, ये संसार नहीं, और मैं वो कभी नहीं जो बिना माँ के आगे बढ़ूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है सदैव बना रहता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है माँ। जी हाँ, माँ। माँ तेरी तुलना मैं किससे करूं, माँ तेरी तुलना मैं किससे करूं, सभी तो तेरे आगे बौने दिखते हैं। देवी कह नहीं सकता, देवी कह नहीं सकता, वह तो वरदान देकर चली जाती हैं। वह तुम्हारी तरह हमारे कष्टों को नहीं सहती और ना ही उन्हें सहकर मुस्कुरा सकती हैं। तपस्विनी कह नहीं सकता, वह तो कुछ पाने की लालसा में कष्टों को सह मौन धारण कर लेती हैं। तुझे मैं कैसे व्याख्यायित करूं, मेरी जीवा लटपटा जाती है, मेरी जीवा लटपटा जाती है, बुद्धि जवाब दे जाती है, आखिर ऐसा कौन है, आखिर ऐसा कौन है इस ब्रह्मांड में, आखिर ऐसा कौन है इस ब्रह्मांड में जो तेरी बराबरी कर सके, आखिर ऐसा कौन है इस ब्रह्मांड में जो तेरी बराबरी कर सके, तेरे दूध का कर्ज अदा कर सके। माँ तू महान है, पूजनीय है, वंदनीय है। माँ तू महान है, पूजनीय है, वंदनीय है, कष्टों को सह मुस्कुराती है, पर तू लाख छिपाए, पर तू लाख छिपाए तेरी मुस्कुराहटों में, तेरी मुस्कुराहटों में दबे उन असहनीय कष्टों को देख लेता हूं, देख लेता हूं। माँ तू महान है, तू महान है। ये मेरी पहली कविता थी। और यहां मैं देख रहा हूं कि इंद्रमान जायसवाल जी हैं, नमस्कार सर आपको। राहुल ठाकुर जी भी हैं यहाँ पर, आपको भी नमन, धरोहर परिवार को नमन, और भोजपुरी में बाटे सभे, भोजपुरिया परिवार बाटे, सभे के नमन बाटे, पैर छुके प्रणाम करतनी। अविश्वास बा कि हमार शब्द जोन बाटे भोजपुरी के मार्फत से भी अमर हुई और रउआ तक पहुंचे, कहीं कि शब्द के सार्थकता जोन बाटे तो भावना से बाटे,
अब भावना की जोड़ जन होला वो दिल से होला, रउआ सभे से होला, रउआ के दिल तक पहुंचे के कोशिश बाटे अगली कविता के मार्फत से। अगली कविता जो है आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगा वह है, गौर फरमाइएगा, कविता को कविता रहने दो। मैं अक्सर कहता हूं कविता को कविता रहने दो, इसे जो कहना है बस कहने दो, इसे रंगों में ना बांटो, इसे दंगों में ना काटो, इसे रंगों में ना बांटो, इसे दंगों से ना साटो, इसे स्वयं बुझने दो, इसे स्वयं सुलगने दो, कविता को कविता रहने दो, इसे जो कहना है बस कहने दो, इसे सियासी गलियारे में ना घुमाओ, इसे सियासी गलियारे में ना घुमाओ, इसे पैसों पर मत नचाओ, इसे पैसों पर मत नचाओ, इसे किसी वादों या कायदों के प्रपंच में ना बांधो, इसे सीमाएं लांघने दो, इसे सीमाएं लांघने दो, इसे कबीर बनने दो, इसे मीरा बनने दो, इसे घनानंद की पीर समझने दो। मैं फिर कहता हूं कविता को कविता रहने दो, इसे जो कहना है बस कहने दो, बस कहने दो। अगली कविता जो है आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगा उसका शीर्षक है नमन। आप सभी जानते हैं कि ये कोरोना का काल है और हर मंच पर इस कविता को मैं दोहराता जरूर हूं, क्योंकि यदि हम और आप महफूज हैं तो इसके पीछे कारण जो है वो सिपाही, वो देशभक्त, वो डॉक्टर, वो जो सामान हमारे घर दे जाते हैं, जो खोमचा लगाते हैं, वो पुलिस और पूरा का पूरा तंत्र, यहां तक कि शिक्षक भी, बैंक कर्मचारी भी, आप सभी को नमन है। तो मेरी कविता आपको नमन करना चाहेगी, तो लीजिए। है नमन, है महफूज हम और तुम, हम है महफूज हम और तुम समय के इस भीषण प्रवाह में, है महफूज हम और तुम समय के इस भीषण प्रवाह में, घर बैठे मिला सब कुछ, घर बैठे मिला सब कुछ सन्नाटे भरे गलियारों से, है सुरक्षित हम और तुम, है सुरक्षित हम और तुम अपने प्राचीर और चार दीवारों में, हुआ मुमकिन है यह सब कुछ, हुआ मुमकिन है यह सब कुछ कुछ फरिश्तों के कारनामों से, सांसें न जाने कितनों की उखड़ जाती, सांसें न जाने कितनों को उखड़ जाती, जो न होते ये मौजूद अस्पतालों में, कुशासन ही कुशासन होता, कुशासन ही कुशासन होता, दंगों की आग में देश जलता, जो न होते ये तैनात गली और चौबारों में, धन्य है वह माँ, धन्य है वह माँ जिसने जना देश के ऐसे रखवालों को, धन्य है वह माँ जिसने जना देश के ऐसे रखवालों को, है नमन शत शत नमन ऐसे वीर वीरांगनाओं को, है नमन शत शत नमन ऐसे वीर वीरांगनाओं को। शिव शंकर सिंह जी नमस्कार, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कविता जो है वो भी कोरोना पर ही आधारित है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर चीजें सही माने में सही समय पर व्यवस्थित हो जाती तो शायद आज अपना देश अलग होता, ना जाने किसकी जुर्म की जो है वो जुर्म की सजा हमें मिल रही है। तो इसका शीर्षक भी कुछ ऐसे ही है, जुर्म की सजा। अमीरों के साइड, यहां पर ये जो कविता जो है ये कहीं ना कहीं कटाक्ष है, समझिएगा, चुड़िएगा। कह रहा क्या, जुर्म की सजा, अमीरों के साथ आई गरीबों को, गरीब देश को और गरीब बनाई। गौर फरमाइएगा, अमीरों के साथ आई गरीब देश को और गरीब बनाई, जरा इस वायरस का नाम बताओ भाई, जरा इस वायरस का नाम बताओ भाई, धक्का मुक्की चतुर्दिक लॉकडाउन की स्थिति है छाई, धक्का मुक्की चतुर्दिक लॉकडाउन की स्थिति है छाई, ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन है भाई, ऐसी स्थिति के जिम्मेदार कौन है भाई, तुम कहोगे बौखला गया है, तुम कहोगे बौखला गया है, शायद कभी पर सनक है छाई,
जरा एक बात बताओ भाई, जरा एक बात बताओ भाई, हमने किस जुर्म की सजा है पाई, हमने किस जुर्म की सजा है पाई। अगली कविता जो है आपके समक्ष है, देश हित में। देश हित में आज जो है सही माने में देखा जाए या देशभक्ति जो है वो अपने आप को सुरक्षित रखने में है, दूसरों को सुरक्षित रखने में है। हमें ये जानना है कि हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं। हम अपने हक की बात तो करते हैं, परंतु एक भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, जरा उस पर ये जो है अगली कविता को सुन लीजिएगा। उर्मिला साहू जी जुड़ी हैं। जी बिल्कुल, उर्मिला जी कह रही हैं वायरस वायरस कुकुरमुत्ता से कोरोना हो गया है। बिल्कुल, आइए तो कविता यहां पर प्रस्तुत है देश हित में। माना कि जिंदगी मौत से न जाने कितनी बार हारी है, माना कि जिंदगी मौत से न जाने कितनी बार हारी है, पर जिंदगी की जंग मौत से आज भी जारी है। पर जिंदगी की जंग मौत से आज भी जारी है। मौत तो बहुरूपिया है, मौत तो बहुरूपिया है, हर बार रूप बदल कर आती है। मौत तो बहुरूपिया है, हर बार रूप बदल कर आती है। देखते 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 किसी अपने को हमसे छीन ले जाती है, हमसे छीन ले जाती है। असमय मृत्यु बड़ी कष्टदायी होती है, असमय मृत्यु बड़ी कष्टदायी होती है। हंसते खेलते की साया तक चट कर जाती है, असमय मृत्यु बड़ी कष्टदायी होती है। हंसते खेलते की साया तक को चट कर जाती है। इस बार कोरोना वायरस की शक्ल में आई है, इस बार कोरोना वायरस की शक्ल में आई है। इटली चीन के बाद भारत को हाथ लगाई है, इटली चीन के बाद भारत को हाथ लगाई है। इसी कुरूपता, इसकी कुरूपता देख पूरा विश्व थर्राया है, इसकी कुरूपता देख पूरा विश्व थर्राया है। इसने विज्ञान को भी नाको चने चबवाया है, इसने विज्ञान को भी नाको चने चबवाया है। माना कि जिंदगी मिली है, माना कि जिंदगी मिली है जश्न मनाने को, माना कि जिंदगी मिली है जश्न मनाने को। झुंड बनाकर थाली ताली पीटने को, झुंड बनाकर थाली ताली पीटने को, पर रखना होगा याद, पर रखना होगा याद, कहीं मौत का ना चखना पड़े स्वाद। पर रखना होगा याद, कहीं मौत का ना चखना पड़े स्वाद। निज हित से बड़ा देश हित होता है, निज हित से बड़ा देश हित होता है। जो देश के साथ नहीं, जो देश के साथ नहीं, वह अपना सब कुछ खोता है, वह अपना सब कुछ खोता है, वह अपना सब कुछ खोता है। माना कि समय की समझ, गौर फरमाइएगा, माना कि समय की समझ सबको नहीं होती है, माना कि समय की समझ सबको नहीं होती है, पर समझदारों की भी तो कोई भूमिका होती है, पर समझदारों की भी तो कोई भूमिका होती है। माना कि तमाशबीन बनना, माना कि तमाशबीन बनना आसान होता है, माना कि तमाशबीन बनना आसान होता है, पर एक भारतीय होने के नाते, पर एक भारतीय होने के नाते हमें भी कुछ करना बनता है, हमें भी कुछ करना बनता है, हमें भी कुछ करना बनता है। दोस्तों आज हमारे सामने रिंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद, खुशबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सर यहाँ जुड़े हैं, आपको नमन सर। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी का जो समय है, कोरोना काल है, इस मंच के मार्फत से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी जाएं, यदि आपका कोई भी भाई, भारतीय भाई या कोई भी हो, यदि बिना मास्क का घूमता है तो उसे कहें कि भैया मास्क पहनिए। यदि आपको देशभक्ति दिखानी है तो मास्क पहनिए। मास्क पहनते वक्त ध्यान रखिए कि वो पूरा का पूरा आपका जो है मुखमंडल जो है यहां तक पूरा कवर करके रखे। कुछ लोग मूछ बना के, कुछ दाढ़ी बना के चलते हैं,
कुछ सिर पे भी लगाते हैं, कोई कान में भी लटका लेते हैं। उनसे निवेदन है कि आपकी जिंदगी इस भारत की है और आपके घर वालों की है, और यदि आपसे चूक होती है तो उधर कोरोना की भूख बढ़ती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, और स्वच्छ जो खाना है, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप शाकाहारी रहें। इस समय स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगली कविता जो है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, बस फेर है। कविता है बस फेर है। रूठता है जमाना तो रूठ जाने दो, रूठता है जमाना तो रूठ जाने दो, मुंह फेरते हैं अपने तो फेर लेने दो। रूठता है जमाना तो रूठ जाने दो, मुंह फेरते हैं तो अपने तो फेर लेने दो। सत्य के मार्ग पर अगर हो तुम, सत्य के मार्ग पर अगर हो तुम, खुद को दुनिया से बेखबर हो जाने दो। जो रूठते हैं आज, जो रूठते हैं आज कल मान जाएंगे, जो रूठते हैं आज कल मान जाएंगे, जो छूटते हैं आज कल मिल जाएंगे। सत्य की सत्यता को जिस दिन जान जाएंगे, सत्य की सत्यता को जिस दिन जान जाएंगे, वही शूल भरे मुख, वही शूल भरे मुख पुष्प बरसाएंगे, पुष्प बरसाएंगे। बस फेर है समय का, बस फेर है समय का, बस खेल है मेहनत का, बस फेर है समय का, बस खेल है मेहनत का। ओ खिलाड़ी तू बस खेलता जा, ओ खिलाड़ी तू बस खेलता जा, हर रोज हर क्षण, हर रोज हर क्षण अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा। मंजिलें बैठने वालों को नहीं मिलती, मंजिलें बैठने वालों को नहीं मिलती, तकदीरें अकर्मठों की नहीं बदलती। मंजिलें बैठने वालों को नहीं मिलती, तकदीरें अकर्मठों की नहीं बदलती। जिसके सीने में आग है कुछ कर दिखाने की, जिसके सीने में आग है कुछ कर दिखाने की, बदकिस्मती भी, बदकिस्मती भी ज्यादा दिन उनका मार्ग नहीं रोकती, नहीं रोकती, नहीं रोकती। अनु शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रिका प्रसाद जी हैं यहाँ पर, आपको नमन सर। उर्मिला साहू जी आपको नमन। पुनः सत्येंद्र गिरी जी हैं, आपको नमन सर, और स्वागत है आपका। अगली कविता जो है मैं आपको किसी और दुनिया में ले जाना चाहूंगा, और ये कुछ अलग है, और शीर्षक कुछ है मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या है, गौर फरमाइएगा, मुद्दा क्या है। खेल, खेल नोट और वोट का, खेल नोट और वोट का साफ दिख रहा है, खेल नोट और वोट का साफ दिख रहा है। संसद से सड़क तक आम इंसान पिस रहा है। बवाल सवाल के बीच, बवाल सवाल के बीच असली मुद्दा छिप रहा है, बवाल सवाल के बीच असली मुद्दा छिप रहा है। क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, सब मिले हुए हैं, क्यों नहीं दिखता, सब मिले हुए हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष स्वार्थ में, क्या पक्ष क्या विपक्ष स्वार्थ में, सब एक दूसरे से सिले हुए हैं। संसद में बवाल का सिक्का, संसद में बवाल का सिक्का उछलता है, संसद में बवाल का सिक्का उछलता है, विपक्ष उसे थोड़ा और उछालता है, पक्ष थोड़ा और दाव में आता है, मीडिया उसमें तड़का लगाता है। बात को क्या से क्या बनाता है, बात को क्या से क्या बनाता है, बेचारी जनता मुद्दा भूल जाती है, बेचारी जनता मुद्दा भूल जाती है। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य ईमान, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य ईमान, और अपनी जान तक दांव पर लगाती है, अपनी जान तक दांव पर लगाती है। अपनों का ही खून बहाती है, अपनों का ही खून बहाती है, हर पांच वर्ष में, हर पांच वर्ष में पक्ष या विपक्ष में से किसी एक को चुन लाती है, हर पांच वर्ष में पक्ष या विपक्ष में से किसी एक को चुन लाती है। और दौर यूं ही चलता है,
और दौर यूं ही चलता है, और मुद्दा वहीं का वहीं रहता है, वहीं का वहीं रहता है, वहीं का वहीं रहता है। अगली कविता जो है मैं पेश करना चाहूंगा और शीर्षक है आज का अभिमन्यु। आज का अभिमन्यु, मुश्किलों से हारा नहीं, मुश्किलों से हारा नहीं, किस्मत से हारा हूं। आज का अभिमन्यु शीर्षक है, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कविता। मुश्किलों से हारा नहीं, किस्मत से हारा हूं, मुश्किलों से हारा नहीं, किस्मत से हारा हूं। मझधार का खिलाड़ी, मझधार का खिलाड़ी किनारे पर खड़ा हूं। कोशिश जितनी भी करता, कोशिश जितनी भी करता, दुगना किनारे लग जाता हूं। मुश्किलों से हारा नहीं, किस्मत से हारा हूं। मैं दोष उन्हें नहीं दूंगा, मैं दोष उन्हें नहीं दूंगा जिनकी वजह से किनारा हूं। मैं दोष उन्हें नहीं दूंगा जिनकी वजह से किनारा हूं। कर्तव्य दिखाते रहे वे, कर्तव्य दिखाते रहे वे, मैं तमाशबीन बन जा रहा हूं, मैं तमाशबीन बन जा रहा हूं। मुश्किलों से हारा नहीं, किस्मत से हारा हूं। लड़ना नहीं करूंगा बंद, लड़ना नहीं करूंगा बंद, इस युग का अभिमन्यु न्यारा हूं। चक्रव्यूह होगा शतविशत, चक्रव्यूह होगा शतविशत, श्री कृष्ण का दुलारा हूं, श्री कृष्ण का दुलारा हूं। मुश्किलों से हारा नहीं, किस्मत से हारा हूं, किस्मत से हारा हूं। अगली पंक्ति जो है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, राजबिहारी सर बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रिका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये जो शब्द मिल रहे हैं, प्यार भरे आशीर्वाद मिल रहे हैं, उसके लिए आप सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ता हूं। अगली कविता जो है आपके सामने, कविता है मैं अब भी इंसान हूं। गौर फरमाइएगा, मैं अब भी इंसान हूं, झूमता हूं मैं इस कदर जैसे तूफानों में डालियों पर कोई पक्षी झूमता है। झूमता हूं मैं इस कदर जैसे तूफानों में बैठा डालियों पर कोई पक्षी झूमता है। कूकता हूं मैं इस कदर जैसे अमिया की बगिया में मतवाली कोयलिया कूकती है। रम जाता हूं मैं इस कदर जैसे आत्मा परमात्मा में रम जाती है। रम जाता हूं मैं इस कदर जैसे आत्मा परमात्मा में रम जाती है। टूट भी जाता हूं मैं इस कदर, टूट भी जाता हूं मैं इस कदर जैसे एक ठेस से महफूज रखे शीशे का मुजस्सिमा टूट जाता है। रूठ जाता हूं मैं इस कदर जैसे मासूमियत में डूबा बच्चा कुछ ना मिलने पर रूठ जाता है। मान भी जाता हूं मैं इस कदर जैसे नादान बालक चांद को परात में देखकर मान जाता है। फिर भी तुम कहते हो मैं चालाक हूं, शातिर हूं, मुझे तो लगता है मैं अब भी इंसान हूं, मैं अब भी इंसान हूं। यहां पर अगली कविता जो है, मैं सीधे डूबता सूर्य कविता जो है आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कोरोना काल में डूबता सूर्य कुछ गांव सा लगता है, उस पर बैठा हुआ था यहीं पर। आजकल जानवर जो है मुक्त है और इंसान बंद है। कभी हम लोग ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जानवर आएंगे हमें देखने के लिए, चिड़ियाघर हमारा घर। तो लीजिए, इस खिड़की से मुझे सूर्य डूबता सा दिखा था, उस पर मैंने एक कविता रची थी, तो आपको समर्पित है। शहर में डूबता सूर्य अब गांव सा लगता है, हम सभी गांव से दूर हैं, उसकी याद आती है और
हमारा मन कहीं ना कहीं दौड़ पड़ता है, याद आ जाती है चीजें। आइए सुनिए, डूबता सूर्य। शहर में डूबता सूर्य अब गांव सा लगता है, अब शहर भी कुछ अपना सा लगता है। न गाड़ियों की शोर न जिंदगी की होड़, न गाड़ियों की शोर न जिंदगी की होड़, क्या कहूं अब तो ये सब कुछ सपना सा लगता है, सपना सा लगता है। भय तो है ही, भय तो है ही हृदय के हर कोने में, भय तो है ही हृदय के हर कोने में, पर डालियों पर पक्षियों के कलरव सपना सा दिखता है, पर डालियों पर पक्षियों के कलरव सपना सा दिखता है। तू तू मैं की शोर समय से आगे निकलने की होड़, तू तू मैं की शोर समय से आगे निकलने की होड़, ये सब कुछ छूटता सा दिखता है। जब से महामारी ने पैर पसारा है, जब से महामारी ने पैर पसारा है हमारी जिंदगानी में, मानव का प्रकृति से पुनर्मिलन होता सा दिखता है। ये शांति, सूने पड़े रास्ते, आसमान के टिमटिमाते तारे, ये शांति, सूने पड़े रास्ते, आसमान के टिमटिमाते तारे जो नहीं दिखते थे अब दिख रहे हैं, ये शांति, सूने पड़े रास्ते, आसमान के टिमटिमाते तारे, मानो से क्या कुछ नहीं कहते हैं, पर मानो इनकी सुन ले, ये कुछ सपना सा लगता है, ये कुछ सपना सा लगता है। बिल्कुल दीपिका मैम नमन आपको, रिंकी मैम आपको भी नमन, आप जुड़े हैं, आप सभी को पुनः नमन। पर सवाल अब यह उठता है, क्या भय ही हमें मानव बनाए रखेगा, पर सवाल अब यह उठता है, क्या भय ही हमें मानव बनाए रखेगा, क्या भय ही हमें हमारी प्रकृति से जोड़े रखेगा। इन सवालों पर भी सोचना अब कुछ वाजिब सा लगता है, अब कुछ वाजिब सा लगता है, अब कुछ वाजिब सा लगता है। अगली कविता जो है आप तक पहुंचाना चाहूंगा, और शीर्षक है जी, लीजिए प्रस्तुत है कविता। बेड़ियां, ये मेरी प्रिय कविताओं में से एक है, आप तक पहुंचाना चाहूंगा। बेड़ियां, अरे कल की बात ना करना, कल किसने देखा है, अरे कल की बात ना करना, कल किसने देखा है, हम तो अभी को जीते हैं, दोनों हाथों से वक्त को पीते हैं। अरे कल की बात ना करना, कल किसने देखा है, हम तो अभी को जीते हैं, दोनों हाथों से वक्त को पीते हैं। थर थर कांपते हैं वे हैं, थर थर कांपते वे हैं जिन्हें कल की फिक्र सताती है, थर थर कांपते वे हैं जिन्हें कल की फिक्र सताती है। हर निर्णय से पूर्व, हर निर्णय से पूर्व पैरों की बेड़ियां अकड़ जाती हैं, अकड़ जाती हैं। बेड़ियों की अकड़ हमें तोड़ना आता है, बेड़ियों की अकड़ हमें तोड़ना आता है। सलाखों के पीछे हम जैसा कोई, सलाखों के पीछे हम जैसा कोई, भगत ही बेड़िया बजाता है, बेड़िया बजाता है, बेड़िया बजाता है, बेड़िया बजाता है। अगली कविता जो है मजदूरों को समर्पित है। अपना देश जो है किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, ये दूसरी बात है, उन्हें हम लोगों ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। अपनी कविता के मार्फत से मैं चंद सवाल दागना चाहूंगा इस मंच के मार्फत से, ताकि कुछ बदलाव आ सके। कविता सिर्फ कविता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कविता वही कविता है जो फर्क लाते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कविता, हम मजदूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुरु समान गिरधर राय जी हैं हमारे साथ, नमस्कार सर। कुमार शैलेंद्र जी हैं, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए प्रस्तुत है कविता, हम मजदूर हैं। हम मजदूर हैं, माना कि हम मजदूर हैं, माना कि हम मजदूर हैं,
व्यवस्था के आगे मजबूर हैं। माना कि हम मजदूर हैं, व्यवस्था के आगे मजबूर हैं। प्रश्न यह उठता है, हर काल में मजदूर ही मजबूर क्यों रह जाते हैं? माना कि हम मजदूर हैं, व्यवस्था के आगे मजबूर हैं। प्रश्न यह उठता है, हर काल में मजदूर ही मजबूर क्यों रह जाते हैं? अन्न हम उगाते हैं, अन्न हम उगाते हैं, तन भी गलाते हैं, चिलचिलाती धूप में वोट भी दे आते हैं। अन्न हम उगाते हैं, तन भी गलाते हैं, चिलचिलाती धूप में वोट भी दे आते हैं। प्रश्न यह उठता है, हर काल में मजदूर ही मजबूर क्यों रह जाते हैं? मजबूर क्यों रह जाते हैं? लोहे को पिघला हथौड़ा बनाते हैं, लोहे को पिघला हथौड़ा बनाते हैं, पर अफसोस, लोहे को पिघला हथौड़ा बनाते हैं, पर अफसोस, अपनी बदकिस्मती के पत्थर उससे हम तोड़ भी ना पाते हैं। अपनी बदकिस्मती के पत्थर उससे हम तोड़ भी ना पाते हैं। श्रम जल दिन रात बहाते हैं, श्रम जल दिन रात बहाते हैं। ये कैसी व्यवस्था है? अरे ये कैसी व्यवस्था है? 2 जून की रोटी भी अपने नसीब में न बटोर पाते हैं, 2 जून की रोटी भी अपने नसीब में न बटोर पाते हैं। प्रश्न यह उठता है, हर काल में मजदूर ही मजबूर क्यों रह जाते हैं? मजबूर क्यों रह जाते हैं? खींच ले, जुड़िएगा अगली पंक्ति से, खींच ले जो हाथ अपने, खींच ले जो हाथ अपने एक दिन के लिए भी पीछे, खींच ले जो हाथ अपने एक दिन के लिए भी पीछे। भर भरा कर गिर पड़ेंगे, भर भर भरा कर गिर पड़ेंगे व्यवस्था के हर मुहरे। एक दिन के लिए भी पीछे, भर भरा कर गिर पड़ेंगे व्यवस्था के हर मोहरे। पर अफसोस हम ऐसा कुछ कर क्यों ना पाते हैं, पर अफसोस हम ऐसा कुछ कर क्यों ना पाते हैं। ना चाह कर भी, ना चाह कर भी हर काल में हम, हर काल में हम व्यवस्था के आगे हाथ ही फैलाते हैं, हाथ ही फैलाते हैं, हाथ ही फैलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर अगली कविता जो है, झुरमुटों से मुस्कुराएगा रवि, झुरमुटों से मुस्कुराएगा रवि, झुरमुटों से मुस्कुराएगा रवि, तेरे दिल में मेरे दिल में आस अब भी है बंधी। झुरमुटों से मुस्कुराएगा रवि, तेरे दिल में मेरे दिल में आस अब भी है बंधी। कष्टों की बदली वो कितनी भी घनी, कष्टों की बदली हो कितनी भी घनी, फूंक हवा ले जाएगी इसको कहीं। रीढ़ जिसकी हो सीधी डरता नहीं, रीढ़ जिसकी हो सीधी डरता नहीं। गीदड़ों में शेर क्या डरता कभी, गीदड़ों में शेर क्या डरता कभी। झुरमुटों से मुस्कुराएगा रवि, झुरमुटों से मुस्कुराएगा रवि, तेरे दिल में मेरे दिल में आस अब भी है बंधी, आस अब भी है बंधी। कर्मवीरों की कहानी बस है यही, कर्मवीरों की कहानी बस है यही। कर्म को ही धर्म माना हर घड़ी, माना कि शकुनी है कहीं ना कहीं, माना कि शकुनी है कहीं ना कहीं, पर सुदर्शन भी है कहीं ना कहीं, पर सुदर्शन भी है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। झुरमुटों से मुस्कुराएगा रवि, तेरे दिल में मेरे दिल में आस अब भी है बंधी, आस अब भी है बंधी। अनिल ओझा जी, आपको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि शर्मा जी, आपको नमन, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, आपको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कविता जो है वो प्रस्तुत मैं करना चाहूंगा, वह है बस जिंदगी को, बस जिंदगी को। निर्भय मुक्त जिंदगी, निर्भय मुक्त जिंदगी जीना चाहता हूं मैं, निर्भय मुक्त जिंदगी जीना चाहता हूं मैं। जिंदगी को बस जिंदगी की तरह जीना चाहता हूं मैं,
निर्भय मुक्त जिंदगी जीना चाहता हूं मैं, जिंदगी को बस जिंदगी की तरह जीना चाहता हूं मैं, न रोजी का भय हो, न रोटी अतिशय हो, न दुखों का क्रय हो, न हृदय में संशय हो, न कर्म से, न मन से, न ही वचन से किसी के हृदय को दुखाना चाहता हूं मैं। न कर्म से, न मन से, न ही वचन से किसी के हृदय को दुखाना चाहता हूं मैं, जिंदगी को बस जिंदगी की तरह जीना चाहता हूं मैं, जीना चाहता हूं मैं। ऐसी दो दिन की जिंदगी में बस खुशियां बांटना, ऐसी दो दिन की जिंदगी में बस खुशियां बांटना और बटोरना चाहता हूं मैं, कुछ तेरे दिल में कुछ उसके दिल में जिसको भी स्पर्श करूं मन कर्म वचन से उसकी दिल की झोली में अपनी मुस्कान छोड़ जाना चाहता हूं मैं। जिंदगी को बस जिंदगी की तरह जीना चाहता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम पुकार सर, बहुत बहुत धन्यवाद गिरधर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद बनाए रखें। अगली कविता जो है वो ये है, नया भारत। जी हाँ, नया भारत। ये भारत जो आपको दिख रहा वो भारत नहीं, ये नया भारत है जो बदलाव की ओर बढ़ा है, नई आशा की साथ जो है वो किरण जो है फूटी है। तो इस नए भारत को नमन है और मेरी कविता उनके चरणों में, भारत माता के चरणों में समर्पित है। भ्रम के अंधियारे को चीर कर सच्चाई का रवि मुस्कुराया क्षितिज पर। भ्रम के अंधियारे को चीर कर सच्चाई का रवि मुस्कुराया क्षितिज पर। नव जागृति है आई, नई स्फूर्ति है जगाई। नव जागृति है आई, नई स्फूर्ति है जगाई। बढ़ रहा है भारत, उमड़ रहा है भारत, समर रहा है भारत। सृजन की बेला में कहीं सोते मत रह जाना। मिलन की बेला में कहीं बैठे मत रह जाना। उठो मिलाएं कदम से कदम। अब नौ इतिहास रचना है भाई। अगली कविता जो है वो है पहचान। जी हाँ, पहचान। हर कोई अपनी पहचान ढूंढता है, विवेकानंद भी अपना पहचान ढूंढे थे। तब जाके कहा जाता है, जब तक हम अपनी पहचान खुद से नहीं कराते तो दुनिया भी नहीं जान पाएगी। इसलिए पहचान, खुद की पहचान करना बहुत जरूरी है। आइए, कविता है पहचान। ना आसमां पूरा मिला ना जमी पूरी मिली। कहां किसी की जिंदगी किताब सी खुली मिली। हर शख्स झुका मिला हर कलम रुकी मिली। होंठ भी सिले दिखे वार जो कर सके वे शब्द भी ढीले दिखे। आसमां की खोज में जमी भी अपनी खोई है। पर है गुमान अपने पर पहचान नहीं खोई है। तराशता रहूंगा मैं हर शब्द और अर्थ को वक्त की कोख से निकालूंगा मैं सत्य को
वार जो कर सके, वार जो कर सके शब्द भी मैं लाऊंगा, वार जो कर सके शब्द भी मैं लाऊंगा, दहाड़ हर शख्स सके, दहाड़ हर शख्स सके भूमि मैं बनाऊंगा, भूमि मैं बनाऊंगा। टुकुर टुकुर निहारता, टुकुर टुकुर निहारता समय भी रह जाएगा, टुकुर टुकुर निहारता समय भी रह जाएगा, जमी भी अपनी होगी, जमी भी अपनी होगी, अपना आसमां हो जाएगा, अपना आसमां हो जाएगा, अपना आसमां हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि सर। कुमार शैलेंद्र जी आपको नमन है, पुनः ऋषि सर आपको नमन है, जी हाँ नया भारत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई का सूरज बिल्कुल निकलेगा। आइए अगली कविता के ओर बढ़ते हैं। ये कविता जो है दर्दे दिल, शीर्षक है दर्दे दिल, तो लीजिए प्रस्तुत है कविता दर्दे दिल। दर्द की कहानी है, दर्द की कहानी है, सुनो तो मैं सुनाता हूं। दर्द की कहानी है, सुनो तो मैं सुनाता हूं, देख सको तो देखो दिल चीर दिखाता हूं। दर्द की कहानी है, सुनो तो मैं सुनाता हूं, देख सको तो देखो दिल चीर दिखाता हूं, पर है यकीन मुझको, पर है यकीन मुझको तुम ना समझ पाओगे, पर है यकीन मुझको तुम नहीं समझ पाओगे। दिल दिखता एक सा है, पर है यकीन मुझको तुम ना समझ पाओगे, दिल दिखता एक सा है पर दर्द अलग हो ही जाता है, पर दर्द अलग हो ही जाता है। दिल दिखता एक सा है पर दर्द अलग हो ही जाता है। आज का दिन मैं जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि परिवार, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी और हमारा समाज, यही राष्ट्र है और यही यही है। आज जो जो पंक्ति मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, एक आदर्श परिवार क्या होता है उसकी रूपरेखा यहां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा अपनी कविता के मार्फत से। शीर्षक है घर। ये जितनी भी कविताएं हैं ये सभी समाज्ञा से प्रकाशित हो चुकी हैं। अनिल राय जी को नमन है। तो लीजिए प्रस्तुत है कविता घर। माता पिता जिस घर में, माता पिता जिस घर में, माता पिता जिस घर में, गौर फरमाइएगा, माता पिता जिस घर में नित पूजे जाते हैं, माता पिता जिस घर में नित पूजे जाते हैं, वही घर घर होता है, ईश्वर भी वही बसते हैं। माता पिता जिस घर में नित पूजे जाते हैं, वही घर घर होता है, ईश्वर भी वही बसते हैं। योग ध्यान से जिस घर की सुबह हुआ करती है, योग ध्यान से जिस घर की सुबह हुआ करती है, उसी घर में निरोगी काया भी बसती है। ज्ञान धर्म की बातें जिस घर में नित होती हैं, ज्ञान धर्म की, गौर फरमाइएगा, ज्ञान धर्म की बातें जिस घर में नित होती हैं, उस घर में फूट को भी जगह नहीं मिलती है। ज्ञान धर्म की बातें जिस घर में नित होती हैं, उस घर में फूट को भी जगह नहीं मिलती है। संशय मुक्त कटाक्ष मुक्त, गौर फरमाइएगा, संशय मुक्त कटाक्ष मुक्त जो घर हुआ करते हैं, संशय मुक्त कटाक्ष मुक्त जो घर हुआ करते हैं, ऐसे घरों में ही प्यार और सम्मान पलते हैं, ऐसे घरों में ही प्यार और सम्मान पलते हैं। मकान को घर बनाने में समय बहुत लगता है, मकान को घर बनाने में समय बहुत लगता है, जब घर घर बन जाए, जब घर घर बन जाए, स्वर्ग भी वहीं बसता है, स्वर्ग भी वहीं बसता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कविता जो है, यदि समय है सर, हाँ ये कविता आप पढ़ लीजिए। जी जी बहुत बहुत आइए, मैं जो कविता आपके समक्ष रखना चाहता था या हूं वो ये है,
शुरुआत है भारत की भूमि। यह सुबह की जो अपनी भारत अपना भारत जो है उसकी सुबह अलग होती है। और आजकल जो है खिड़कियों से हम सूर्य को निहारते हैं, बाहर जाना नहीं चाहिए, निश्चित तौर पे हम सभी को अपने घरों में ही रहना चाहिए। तो लीजिए प्रस्तुत है भारत की भूमि। स्वर्णिम कलश लिए सुबह हुई, स्वर्णिम कलश लिए सुबह हुई, भारत की भूमि धन्य हुई। स्वर्णिम कलश लिए सुबह हुई, भारत की भूमि धन्य हुई, तारिकाओं से सुसज्जित रात्रि ढली, तारिकाओं से सुसज्जित रात्रि ढली, शस्य श्यामला धरती खिली। कहीं अजान कहीं मंगल फेरी, गौर फरमाइएगा, कहीं अजान कहीं मंगल फेरी, कहीं प्रभु यीशु मसीह की वचन चली, कहीं अजान कहीं मंगल फेरी, कहीं प्रभु यीशु मसीह की वचन चली। सुरभित कण कण पुलकित तन मन, सुरभित कण कण पुलकित तन मन, सृष्टि में पुनः आस जगी, स्वर्णिम कलश लिए सुबह हुई, भारत की भूमि धन्य हुई, भारत की भूमि धन्य हुई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, समय हो चुका है और इजाजत चाहूंगा। आप सभी ने मुझे ये मौका दिया। जाने से पहले यदि यदि इजाजत हो तो सर एक कविता मैं पढ़कर चला जाऊंगा, सर यदि इजाजत हो तो। चलिए पढ़ लीजिए सर जी। पंक्ति है तू शंकर, तू शंकर, शीर्षक है तू शंकर, तेरे रग रग में शंकर है, तू बढ़ बढ़ रे, तू बढ़ बढ़ रे, तू ना डर रे, तू ना डर रे, आंखों में ज्वाला गले में हाला, तू पी चल रे, तू पी चल रे, तू बढ़ बढ़ रे, तू बढ़ बढ़ रे, तू ना डर रे, तू ना डर रे, तू शिव भी सत्य भी सुंदर भी, तू शिव भी सत्य भी सुंदर भी, सृजन की शक्ति तेरे अंदर भी, आलस की गगरी फूट जाएगी, आलस की गगरी फूट जाएगी, किस्मत की ताली मिल जाएगी, तू बढ़ बढ़ रे, तू बढ़ बढ़ रे, तू ना डर रे, तू ना डर रे, गगन भी तेरा धरा भी तेरी, गगन भी तेरा धरा भी तेरी, मार्ग भी तेरा मंजिल भी तेरी, गगन भी तेरा धरा भी तेरी, मार्ग भी तेरा मंजिल भी तेरी, कण कण तेरा दिशा भी तेरी, कण कण तेरा दिशा भी तेरी, दिन भी तेरा निशा भी तेरी, तू बढ़ बढ़ रे, तू बढ़ बढ़ रे, तू ना डर रे, तू ना डर रे, तू ना डर रे, तू ना डर रे, तू शंकर रे, तू शंकर रे। नमन, पुनः नमन करना चाहूंगा इस मंच को, राज बिहारी सर जी को, गिरधर सर। आप विदाई होने के पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बिल्कुल सर, स्वागत स्वागत। हमें जितने लोग आज देखे हैं उनको तो कम से कम अभिनंदन कर लिया जाए। तो मैं रिंकी कुमारी जी, चंद्रिका प्रसाद जी, कुमार शैलेंद्र जी, धरोहर परिवार, राज पुकार जी और धरोहर परिवार में भी लोग हैं, परमिला तिवारी जी, मैं खुद मैं भी हूँ साथ में, कुमार शैलेंद्र जी, राम पुकार सर, शर्मा जी, जी बिल्कुल, रिंकू कुमारी जी, शिव शंकर सिंह जी, दीपक शर्मा जी हैं, गिरधर राय सर जी भी हैं जी, हाँ जीवन सिंह जी हैं, कुमार शैलेंद्र जी हैं, अनिल ओझा जी हैं हमारे गुरुवर, नमस्कार सर, ऋषि शर्मा जी भी हैं, नमस्कार, हाँ रूपाली सक्सेना जी, नमस्कार आप सभी को, गिरधर राय जी, गुरु जी को नमस्कार, और ऋषि सुरेश कुमार सिंह जी, नमस्कार सर, इंद्रा रमन जयसवाल जी, ऋषि शर्मा जी, यदि किसी का नाम छूटा हो उससे माफी चाहता हूं, और आज की कार्यक्रम यहीं पे समाप्त की जा रही है और कल 7 बजे फिर मिलते हैं धरोहर परिवार पे। नमस्कार 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 आप सब।